ये भारत के जो मूल तत्व हैं, मदर इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल ऑफ अस, भारत वर्ष हमारी सब लोगों की माँ है, भारत माता सारी सब सारे मानवता की माता है। तो कौन भारत माता? हमारी सांस्कृतिक भारत माता, हमारी सांस्कृतिक माता माता जो है ये सारी माताओं की माता है, सारे देशों की माता है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, लिखा था संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने लिखा है संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। भारत वर्ष के कॉन्टिनेंट में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, ये बिल डूल का कथा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसमें इतनी समृद्ध संस्कृति है और इतनी स्पष्ट प्रभावी अपार ज्ञान को भरने वाला हमारा हमारी भाषा संस्कृत है। हम अपनी संस्कृत की सुरक्षा के लिए और इस संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारा दोनों प्रमुख मंत्रों पूज्य महाराज के प्रति यही श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः आज के मुख्य वक्ता विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय हृदयनारायण दीक्षित जी को, वक्ता सदानंद गुप्ता जी को, पूज्य मंत सुरेश दास जी को, मंत्र संतों को, आप सबको, आयोजन समिति को, पूरे मराठा परिवार को और साथ साथ मीडिया के लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे वचन से। सभा प्रातःकालीन सत्र की यह संगोष्ठी पूर्णता को प्राप्त करती है। सायंकालीन सत्र में इसी सदन में प्रभु श्री राम की कथा पर आधारित प्रवचन और उद्बोधन कथा व्यास जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त होगा और कल प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा पर आधारित है। कल प्रातःकालीन सत्र में इस सदन में जिस विषय पर संगोष्ठी है वह है भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा। इसी के साथ प्रातःकालीन सत्र की यह संगोष्ठी यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है कि कोई भी अगर आपको इस समय किसी तरह का भी बुखार आता है या खांसी जुकाम का और भी कोई सिम्टम लगता है या कोई ऐसा दिखता है तो तुरंत अपने पीएचसी में जाइए जो पास में है, वहाँ सातों दिन हम टेस्ट कर रहे हैं। एक पीएचसी चरगवा है जहाँ 24 घंटे टेस्ट होते हैं, सातों दिन होते हैं। कहीं भी अपना टेस्ट कराइए, अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो अपनी किट तुरंत आप अपने पीएचसी के जहां भी टेस्ट कराया वहीं आपको मिल जाएगी। पल्स ऑक्सीमीटर भी मिल जाएगा वहीं पे, थर्मामीटर डिजिटल आप ले लीजिए, अगर रखिए उसे अपना टेम्परेचर नापिए और डॉक्टर के संपर्क में रहिए। जो आपके पीएचसी के अधीक्षक हैं वो आपका ख्याल करेंगे, सुबह शाम आपको फोन करेंगे और उन अगर आपको कोई समस्या भी आती है तो आपको होम क्वारंटाइन से तुरंत L1, L2, L3 हॉस्पिटल जिसमें भी आपकी कंडीशन के हिसाब से होगा वहां आपको भेजा जाएगा और आपके पूरा उसमें ख्याल रखा जाएगा। सर जो 60 साल की उम्र से ऊपर लोग हैं और घरी पे इलाज हो रहा है उनका, उनके लिए अचानक तबियत बिगड़ने पे एम्बुलेंस या किस तरह है? एम्बुलेंस हमारी 24 घंटे अवेलेबल है और वो कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं, हमने पीएचसी भी है उनको शिफ्ट करा देती है L1 L2 में। लेकिन मेरा अभी हम लोग उसमें एक चीज और कर रहे हैं, हम लोग उन सबके एक्सरेज करा रहे हैं, एक्सरेज और ब्लड टेस्ट, उससे हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या कौन सा पेशेंट घर रहने के लायक है, कौन सा हमें L1 में रखना है, L2 में रखना है, L3 में। ये प्रक्रिया डेली हो रही है, रोज हो रही है और हम हर किसी को स्क्रीन कर रहे हैं। पर इस तरह के जो पेशेंट हैं जो 60 साल से ऊपर हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं उन लोगों से क्या कहेंगे आप, किस तरह के अपना? मेरी पहले तो मेरा यही है कि
बिल्कुल अपना मनोबल ऊंचा रखिए। कोरोना का जो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है अगर आप एक प्रशिक्षित डॉक्टर के अंडर आप इसको लेते हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपनी जो आपकी मेडिसिन चल रही है, मान लो डायबिटीज हाइपरटेंशन, उसको वैसे ही चलाइए, और लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंदर, जो हमारे अधीक्षक भी हैं, प्राइवेट भी डॉक्टर्स अब इसको देख रहे हैं, इसमें काफ़ी आगे चीज़ें आ गई हैं जिससे बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया जा सकता है। अपनी खुराक का भी ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, मनोबल ऊंचा रखिए, और कंट्रोल रूम के नंबर रखिए, डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं और हम तुरंत इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी, आईयूआई, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें, और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेसमेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर।